मादी महादेव, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। तो हमने एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट किया हुआ था, उसमें एग्लूटिनेशन एंड प्रेसिपिटेशन देख लिया था, और आज हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट के बारे में। तो यहाँ नाम है कॉम्प्लीमेंट, तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट क्या है, ठीक है। यहाँ हम कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे और हम डायग्नोज करेंगे कोई भी डिजीज़, कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, उसका डायग्नोज करेंगे किसके बेसिस पर, किसका कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, कॉम्प्लीमेंट। तो आपने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम तो नाम सुना ही होगा, हमारी बॉडी में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होती है, ठीक है। उसका मेन फंक्शन क्या है, एंटीजन को डिस्ट्रॉय करना होता है, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है हमें, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपने पढ़ा होगा, तो आपने उसमें देखा होगा कि बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होते हैं, C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो जो भी हम ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो आपको वो भी पता होगा कि जो भी प्रोटीन है, फॉर एग्जाम्पल C3 है, ठीक है, तो उसके दो फ्रेगमेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये पूरा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, ठीक है। तो ये छोटा वाला पोर्शन है और ये बड़ा वाला पोर्शन है, ठीक है। छोटा वाला पोर्शन है ना, जब भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगी, ठीक है, तो छोटा वाला पोर्शन है वो मूव करेगा, और वो क्या करेगा, इस जो भी ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वहाँ से रिलीज होगा और वो एक्टिवेट करेगा हमारे मैक्रोफाज को, ठीक है, भाई एंटीजन आया हुआ है हमारी बॉडी में, उसको डिस्ट्रॉय करो, ठीक है। और जो भी बड़ा है फ्रेगमेंट, ठीक है, वो क्या करेगा, वो डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा कोई भी एंटीजन का। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कब एक्टिवेट होगी, जब हमारी बॉडी कोई एंटीजन आया है, ठीक है, और उसके साथ हमारी बॉडी एंटीबॉडी अटैच हुई है उसके साथ, ठीक है, तब जाके FC पोर्शन के साथ हमारा जो भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, ठीक है, वो बाइंड करेगा। तो याद रखो, हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। पहले ना मैं आपको ये फिगर देखा था, ये स्टेप क्या है, ठीक है, रिएक्शन के किस तरह से हम डिटेक्ट करते हैं। तो यहाँ दो केस दिखाई दे रहे हैं, सीरम विदाउट एंटीबॉडी और सीरम विथ एंटीबॉडी, मतलब कि पेशेंट को इन्फेक्शन है कोई स्पेसिफिक एंटीजन का और यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ये नेगेटिव रिजल्ट है और ये पॉजिटिव रिजल्ट है, ठीक है। तो पहला केस क्या है कि सीरम विथ एंटीबॉडी, पहले हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट का सीरम लेंगे, ठीक है, ये पेशेंट का सीरम है, तो उसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो यहाँ ड्रॉ करो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो भी सीरम है उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी प्रेजेंट हो गए, नेचुरली हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो पहले हमें ये डिस्ट्रॉय करना होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, हीट देंगे, ठीक है, हीट करेंगे इसको, ताकि जो भी कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो अब आपके सैंपल में सिर्फ क्या प्रेजेंट है, सिर्फ एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है। हीट क्यों कर रहे हैं हम, कॉम्प्लीमेंट को क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि अगर कॉम्प्लीमेंट ये प्रेजेंट हो गए तो क्रॉस रिएक्शन देगी, ठीक है, इसीलिए हमें इसको पहले रिमूव करना है। मतलब अब पेशेंट के सीरम में सिर्फ एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है, कोई कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट नहीं है। अब क्या करेंगे, हमें जो भी एंटीजन का इन्फेक्शन है या नहीं है वो हमें डिटेक्ट करना है, तो वो एंटीजन हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड करके ये आपको दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके दे रहा है, ठीक है, ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको सिंथेटिक जो भी कॉम्प्लीमेंट है वो आप ऐड करोगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि जो भी कॉम्प्लीमेंट है वो जो भी एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंड हुए हैं, ठीक है, ठीके? उसके साथ जाके ये कॉम्प्लीमेंट बाइंड करेगा। अगर एंटीजन या तो फिर एंटीबॉडी या तो सिर्फ आपके जो भी ये एंटीबॉडी फॉर एग्जांपल नहीं है प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपने एंटीजन ऐड किया, तो सिर्फ एंटीजन के साथ ये जो भी कॉम्प्लीमेंट है वो बाइंड नहीं करेगा। जब एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा तब जाके ही ये कॉम्प्लीमेंट है उसके साथ बाइंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, इसीलिए जो भी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, वो इसके साथ FC पोर्शन के साथ जाके बाइंड कर देगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो भी ये स्मॉल फ्रेगमेंट है वो रिमूव हो जाएगा और जो ये बड़ा वाला फ्रेगमेंट है वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है, ये डिस्ट्रॉय करेगा किसको, जो भी ये एंटीजन है उसको डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने जो भी एंटीजन है वहाँ आपको डिनोट कर किया हुआ है कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। जनरली वो कहाँ बाइंड होते, FC पोर्शन के साथ बाइंड होते। अब हम क्या करेंगे, ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट बाइंड हुआ है, जो भी एंटीजन है उसको डिस्ट्रॉय किया हुआ,
लेकिन ये हमें ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, ठीक है। हमें ऑब्जर्व करने के लिए अगर कुछ हमें कलर मिल जाए, मतलब कि अगर हमें पता चल जाए कि अगर ये रेड कलर शो करे या तो फिर ब्लू कलर शो करे, मतलब एग्जेट्रा, मैं आपको सिर्फ इंडिकेटर सिस्टम के बारे में बताना चाहती हूँ, ठीक है। हम कुछ इंडिकेटर रखे तो हमें पता चले कि भाई अगर ये कलर आ रहा है तो ये नेगेटिव रिजल्ट है, अगर ये कलर नहीं आ रहा है तो पॉजिटिव रिजल्ट है, ठीक है। इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, सिप आरबीसी ऐड करेंगे, हम इंडिकेटर सिस्टम ऐड करेंगे, ठीक है। ये सिप आरबीसी है, ठीक है, उसके सरफेस पर एंटीजन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट के एंटीबॉडी है, ठीक है, वो हम ऐड करेंगे उसके साथ, उसे हम एम्बोसेप्टर एंटीबॉडी कहेंगे। क्यों एम्बोसेप्टर, हम किसे कहेंगे एम्बोसेप्टर एंटीबॉडी, हम उसे कहेंगे कि जो भी एंटीबॉडी कैपेबल हो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के साथ बाइंड होने में, ठीक है, उसे हम कहेंगे एम्बोसेप्टर एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, सिस्टम में आरबीसी ऐड करेंगे, ठीक है, उसकी अगेंस्ट के एंटीबॉडी ऐड करेंगे, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स तो फॉर्म हुआ, लेकिन उसके साथ कॉम्प्लीमेंट फिक्स नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ कॉम्प्लीमेंट फिक्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो भी सारे कॉम्प्लीमेंट थे वो तो किसके साथ बाइंड हो गए हैं, जो भी पहले एंटीजन एंटीबॉडी थे इसके साथ बाइंड हो गए, तो यहाँ आप कोई फ्री कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि यहाँ जो भी सिप आरबीसी है और एंटीबॉडी है, ठीक है, उसके साथ कोई भी कॉम्प्लीमेंट बाइंड नहीं हो रखा है, ठीक है, यहाँ पर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं बाइंड हो रखा है, क्योंकि सारे जो भी कॉम्प्लीमेंट थे, ठीक है, वो तो यूटिलाइज हो गए, तो यहाँ आपको हीमोलाइसिस ऑब्जर्व नहीं होगा, मतलब कि रेड कलर आपको ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है, मतलब कि ये पॉजिटिव टेस्ट है। जनरली हमारे दिमाग में क्या रहता है बता, कि अगर कलर आ रहा है, कलर फॉर्म हो रहा है तो वो पॉजिटिव टेस्ट है, अगर कलर नहीं फॉर्म हो रहा है तो नेगेटिव टेस्ट है। लेकिन आप यहाँ याद रखो ये उल्टा है, ठीक है। अगर आपको कुछ कलर शो नहीं कर रहा है, हीमोलाइसिस नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब कि रेड कलर आपको ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, मतलब कि टेस्ट है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, याद रखो आप, ठीक है। फिर दूसरा केस क्या है, सीरम विदाउट एंटीबॉडी, मतलब कि पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि हम ईट करेंगे तो जो भी कॉम्प्लीमेंट थे, जो भी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो गए, मतलब कि अब इसमें कुछ प्रेजेंट नहीं है, एंटीबॉडी तो पहले से प्रेजेंट नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर एंटीजन ऐड करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ तो एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो एंटीजन किससे बाइंड करेगा, किसी से भी नहीं, तो सिर्फ एंटीजन ही प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ सिर्फ एंटीजन प्रेजेंट है, हम इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है, तो यहाँ जाके कॉम्प्लीमेंट बाइंड नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ एंटीजन प्रेजेंट है, तो एंटीजन के साथ सिर्फ कॉम्प्लीमेंट जाके बाइंड नहीं करेगा, या तो फिर अगर एंटीबॉडी अकेला है तो उसके साथ भी कॉम्प्लीमेंट बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट फ्री है, यहाँ आप स्काई कलर का जो देख रहे हैं, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ फ्री है। अब हम क्या करेंगे, हमें ये कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है, ठीक है, हम इंडिकेटर सिस्टम ऐड करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि भाई क्या है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिप आरबीसी ले लिया, ठीक है, उसके आगे मतलब जो भी एम्बोसेप्टर एंटीबॉडी थी वो हमने ऐड कर दी। अब क्या होगा, जो भी कॉम्प्लीमेंट यहाँ प्रेजेंट थे वो फ्री थे, फ्री फॉर्म में थे, ठीक है। तो यहाँ सिप आरबीसी और उसके अगेंस्ट की एंटीबॉडी, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया यहाँ पर, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट फ्री है, तो वो क्या करेगा, वहाँ जाके बाइंड कर देगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट का काम क्या है, वो जाके जो भी एंटीजन है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो यहाँ आपको रेड कलर ऑब्जर्व होगा। रेड कलर ऑब्जर्व हो रहा है उसका मतलब कि हीमोलाइसिस हुआ, हीमोलाइसिस हुआ उसका मतलब कि पेशेंट है वो नेगेटिव है, यहाँ रिजल्ट नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये है हमारी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो अब आपको इजी है, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, व्हेन कॉम्प्लीमेंट बाइंड्स टू एन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इट बिकम फिक्स्ड, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तब जाके कॉम्प्लीमेंट है उसके साथ फिक्स होगा। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट आर वेरी सेंसिटिव, कैन बी यूज टू डिटेक्ट एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी। अगर स्मॉल अमाउंट में भी एंटीबॉडी या तो फिर एंटीजन प्रेजेंट है तो उसे डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर 0.04 माइक्रोग्राम भी एंटीबॉडी प्रेजेंट है और 0.01 माइक्रोग्राम एंटीजन प्रेजेंट है तो वो भी हम उसे ये कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर कंसिस्टिंग ऑफ टू स्टेप, उसके अंदर टू स्टेप है। पहला वाला तो कौन सा था, जो भी स्टेप था वो
वो था कि भाई एंटीजन जो भी एंटीबॉडी है अगर पेशेंट के सीरम में प्रेजेंट है तो ठीक है, फिर हमने एंटीजन ऐड कर लिया था। तो ये हो गया पहला सिस्टम, हमने कॉम्प्लीमेंट ऐड कर लिया, अगर होगा तो फिक्स होगा, अगर नहीं प्रेजेंट है एंटीबॉडी तो वो फिक्स नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। और दूसरे स्टेप में हमने क्या किया था, इंडिकेटर सिस्टम ऐड किया था। क्या किया था, इंडिकेटर मतलब कि शिप आरबीसी, ठीक है, ताकि हम ऑब्जर्व कर सके कि भाई लाइस हीमोलाइसिस हुआ है या हीमोलाइसिस नहीं हुआ है। ठीक है, दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट सिस्टम, दिस टू सिस्टम आर टेस्टेड इन सीक्वेंस एप्रोप्रिएट कन। यहाँ कंट्रोल रिक्वायर, क्यों कंट्रोल, क्योंकि अगर हम कंट्रोल परफॉर्म करेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि भाई कोई क्रॉस रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ एंटीजन सीरम कंट्रोल रखेंगे, ठीक है, ताकि एंटी कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है ऑब्जर्व कर सके, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है ठीक है तो हमें पता चल जाएगा कि भाई जो भी हमारा रिजल्ट है ठीक है वो फॉल्स भी हो सकता है। फिर एक कॉम्प्लीमेंट कंट्रोल मतलब कि डिजायर्ड अमाउंट में कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है या नहीं, अगर कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में प्रेजेंट है ठीक है तो वो क्या करेंगे, जो भी पहले एंटीबॉडी प्रेजेंट थी सीरम के अंदर और एंटीजन हम ऐड करें तो उसके साथ भी कॉम्प्लीमेंट बाइंड हो रहा है, लेकिन फिर से एंटी अगर कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है ठीक है तो ये कॉम्प्लीमेंट शिप आरबीसी के साथ भी बाइंड करेगा और हीमोलाइसिस शो करेगा। ठीक है, तो नेगेटिव रिजल्ट आने के चांसेस है। फिर है सेल कंट्रोल, सेल कंट्रोल भी क्यों, क्योंकि जो भी सेंसिटाइज इरिथ्रोसाइट है ठीक है वो कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट नहीं है फिर भी तो उसका लाइसिस तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है, तो वो हमें देखने के लिए हम कंट्रोल भी रखते हैं। फिर है प्रोसीजर क्या है, एंटीजन लेना है, पेशेंट का सीरम लेना है, ठीक है, पेशेंट के सीरम में क्या होगा, एंटीबॉडी होगा, फिर है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इतने तीन कंपोनेंट है। अ नॉन एंटीजन इज मिक्स्ड विद टेस्ट सीरम, ठीक है, टेस्ट सीरम में हमने एंटीजन ऐड करना है, फिर क्या करना है, फिर थोड़े टाइम तक हमें उसको टाइम देना कि भाई एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना सके। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट ऐड कर देंगे, अगर सीरम के मतलब पेशेंट के सीरम के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा ठीक है तो ये कॉम्प्लीमेंट उसके साथ बाइंड करेगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो उसके साथ बाइंड नहीं करेगा तो कॉम्प्लीमेंट फ्री होगा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, हम इंडिकेटर सिस्टम ऐड करेंगे, इंडिकेटर सिस्टम मतलब कि शिप रेड बल शिप आरबीसी। ठीक है, हम सिर्फ आरबीसी के साथ क्या करेंगे, एम्बोसेप्टर एंटीबॉडी है वो करेंगे डालेंगे उसके अंदर, तो जो भी आरबीसी है उसके साथ एंटीबॉडी बाइंड हो जाएगा, अगर कॉम्प्लीमेंट फ्री होगा तो ये उसके साथ बाइंड करेगा, अगर कॉम्प्लीमेंट फ्री नहीं होगा तो ये उसके साथ बाइंड नहीं करेगा। ठीक है, फिर आगे हमारा इंटरप्रिटेशन, हम किस तरह से पॉजिटिव एक कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट या नेगेटिव वो हम सारा देख ही लिया है, लेकिन ये एक बार मैं पढ़ लेती हूँ। ठीक है, तो पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट किसे कहेंगे कि लाइसिस नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ उल्टा है, मैंने बोला था ना कि पॉजिटिव हम किसे कहेंगे कि लाइसिस नहीं हो रहा है, मतलब कि कलर डेवलप नहीं हो रहा है रेड कलर, उसका मतलब भी कि पॉजिटिव टेस्ट है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है, कॉम्प्लीमेंट फ्री नहीं है तो आरबीसी के साथ बाइंड नहीं हो पाएंगे, और आरबीसी के साथ बाइंड नहीं हो पाएंगे इसीलिए जो भी आरबीसी है वो लाइस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हो, द स्पेसिफिक एंटीबॉडी आर प्रेजेंट इन द टेस्ट सीरम एंड कॉम्प्लीमेंट इज कंज्यूम्ड बाय द इम्यून कॉम्प्लेक्स, मतलब कि जो भी कॉम्प्लीमेंट है वो तो यूज हो गया है, तो अब जो भी आरबीसी है शिप आरबीसी और सिर्फ आरबीसी और एंटीबॉडी प्रेजेंट है उसके साथ कोई भी कॉम्प्लीमेंट बाइंड नहीं करेगा, तो यहाँ लाइसिस नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव किसे कहेंगे कि जो भी इंडिकेटर सेल है वो लाइस हो गया अगर, ठीक है, मतलब कि रेड सेल आपको रेड कलर आपको ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है, तो उसे आप कहेंगे नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, मतलब कि लाइसिस ऑफ द इंडिकेटर सेल इंडिकेट लैक ऑफ एंटीबॉडी एंड नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, मतलब कि टेस्ट नेगेटिव है। ठीक है, लाइसिस ऑफ द इंडिकेटर सेल रिजल्ट इफ इम्यून कॉम्प्लेक्स डोंट फॉर्म इन पार्ट ऑफ द टेस्ट बिकॉज द एंटीबॉडी आर नॉट प्रेजेंट। ठीक है, एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री है, इसीलिए जो भी सी पार बी सी है वो एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और कॉम्प्लीमेंट उसके साथ बाइंड करेगा, और जो भी आरबीसी है वो लाइस होगा। ठीक है, इसलिए रेड कलर आपको ऑब्जर्व होगा। जनरली कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट के यूज कितने, डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस है, ठीक है, इन द डायग्नोसिस ऑफ सर्टेन वायरल फंगल इन्फेक्शन, फॉर डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय फंजाई, रेस्पिरेटरी वायरसेस एंड एब्रोवायरसेस, एज वेल एज टू डायग्नोस क्यू फीवर। ठीक है, ये हो गया आज का हमारा कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।